बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय सुदर्शन महाराज की आदि आनंद की बोल भाई शिव संतन की समस्त संत महापुरुष की श्रीमद भागवत भगवान की श्री वासुदेव भगवान की श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की श्री परिपीत महाराज की समस्त पर कल्याण बोल नंदी कुमार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगत्र नाथ जगन्नाथ देव देव बलदेव जीव देवी माता सुभद्रिका चक्रराज सुदर्शन जीकर परम पावन पदार बिंदरी अनंत कोटिबार भक्तिपुत प्रणत निवेदन करी तांकर अहितिक कृपा को प्रार्थना करी माँ भगवती कृपामयी थानपति अहितिक करुणारु ए बेणापड़ा भागवत परिवार आज 19 वर्षर शीर्षे पहुँची आज तार बढ़ला दिवस तार पूर्णहुति दिवस तार उद्यापन संध्या ये उद्यापन संध्या आम मान गहन अतिथि भाव में योगदान करम पूज्य प्राची मठर जी अध्यक्ष एवं परम गुरुदेव परम कारुणिक सद्गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन कृपा पात्र परम पूज्य बाबा श्री दामोदर दास जी महाराज श्री चरणारविंद भक्तिगत प्रणति के सुंदर भाव में केमी भाई कहते 75 वर्ष बयसरे से यही भयसरे यही कंठ से सी भगवान कथा को शुणी कारण आम निजस्व अनुभूति कहूँ बाबा को नहीं आमर जिते बड़े पूरी आश्रम आम गुरुदेव कृपार बाबा वैकुंठनाथ अहितिक कृपार पूरी आश्रम जो कुटीर टी अच्छी आई आश्रम वार्षिक उत्सव उठाई बाबा जाते अतिथि हिसाब से बाबा जाती अनेक सब साधुसंत मैंने से उपस्थित था आमे सबुठ सर्वकनिष्ठ समस्त बयस सान होमें जीत साधु मैंने समस्ते उपस्थित था समस्ते आम बयस बड़ कितु से ये होती से परम पूजा बा दामोदर दास महाराज कि स्नेह कि श्रद्धा मूलठ भल पाइबर यदम प्रति से मत कौन आम जीत बसीचे सब बुढ़ा हो लोक सब बुढ़ा हो मत कौन बुढ़ा कहली मु छोट पाटा मत आसिक 10-12 वर्ष पिला मु हाँ मत आसी कहते पुणे मो बुढ़ा लोक कौन एम आश्चर्य कथ बाबा कहते ना आम समस्त बुढ़ा होती ये जी मत प्रथम प्रथम से दिन दर्शन होता प्रथम से मत देखी कहते बुढ़ा मुझ पचारि से दिन सत्यानंद बाबा को जो पूरी आश्रम फेरिलु बाबा सहित गाड़ी में मुझे पचारि जो बाबा मत बुढ़ा कहले तर नाटा कौन बाबा ना दाम बाबा ना सी मत बुढ़ा कहले कहीं तेज बहुत भल पाते बुढ़ा कहले कह ठीक अच्छे आउ आपण सहित संबंध केमी आराम कह हाँ ये हूँ से दम बाबा जमी कहते नाव गाँव में बुले बुली समय आसी सी सारी केवल नाव गाँव में बुले बुले ये नाव गाँव निजे बाबा कहे सैकेल धरी बाबा आसवे भिक्षा करने ये नाव गाँ बाबा गाँ तिहुड़ा निजे बाबा सैकेल धरिकी भिक्षा करने आस पहुँचे एवं जितेबले बाबा पड़े ये समय बाबा एवं उभय दम बाबा परस्पर को परस्पर आलिंगन कर भो भय कि कादी आउ से जो मुहूर्त बाबा कहला बाबा काखि भी लो चल चल जाए तेणु यही जन महान पुरुष आउ परम कारुणिक सद्गुरुदेव
मध्यवान को ताकर बहुत कृपा पात्र सेम जे 8 वर्ष रे घर छाडी चंदे सेम जे जने महा महापुरुष आ अक्षय तृतीया आ मते से सब बेले निजे कहि चले ताकर आदेश क्रमे अक्षय तृतीया सेति पई मते बाबा आज मध्ये कहले अक्षय तृतीया जेमिति तते कहिबा को पडिबो नै तो जेमितले जाय पहुंच बाबांकर एते आशीर्वाद आउ ये अथम प्रति पहुंचला आमे प्रथमे देखिलु अक्षय तृतीया केत तारीख मे 10 तारीख दिन अक्षय तृतीया पहुंची क्यालेंडर त्रासी 2024 रो क्यालेंडर आसी मो पाखरे पहुंचला तनो सी बाबाकर अहित की कृपा करुणा रहिति तांकर से चरणार बिंदरे भक्ति वृत्त प्रणति तने भागवत रे विशिष्ट प्रवक्ता मध्य तनो जेते कहिले ई संतंकर महिमा को सारी परिवार नाही एवं तत्परे तांकर दक्षिण पार्श्वरे जे उपस्थित अछि से मध्य ताको कथा कहिले न सरे समस्त आपण ताको जानि चंदी आम समस्तंकर अत्यंत प्रिय पूज्य नमस्य दिव्य कृष्णदास महाराजंकर श्री चरणार बिंदरे भक्ति वृत्त प्रणति निजे मते आज फोन करी कहउछंती बाबा आउ तते टिके देखिया घरे इच्छा होछ मुआ जाई जे पहुंची बेला पड़ाई तो सेई बाबाकर एते अधम प्रति अहित की कृपा निजे बाबा आसी पहुंचंती कथा को सुनिबा पाई मुके बाबा आसंत निश्चित भाबरे की कथा आपण आसीबे आउ ये कारण ए जो देखुन न माळी श्री राधे जो माळी आको मे वृंदावन न नथिलु दिने सनात आमर गवर्नर आस्थे आमर नाव आश्रम को बाबाकर जन्मदिन उपलक्षे दीपकृष्ण मात्रे चालु चंदी मुकिल बाबा माळीटा गोटे कोन पकिच मते देलो मु पिंधी भी माळीटा ये सेइ दीपकृष्ण बाबा संगे संगे सेइठ माळी खोलि कि मु विक्रणी पकै देली ए माळी हला तांकर एक्सी काहे कि ना मु कहले दीपकृष्ण बाबा प्रत्यक्ष न हेले भी परोक्षर सदा सर्वदा मो पाखरे थांती हरि हरि बोल से देइते ए माळी तांकर तनो तांकर बहुत भल पाइबा बहुत कृपा बहुत आशीर्वाद संत मान पर एवं अपट अछंती कैलास बाबा आउ भाई माने सब अछंती एवं मा सारला कठरु बिसी भाईना धरि मांकर माळ मांकर प्रसादी मांकर कृपा धरि आछंती एवं उपस्थित आपन मान को परिवार कहले बहुत भाई माने सब अछंती आ से माने जोटी भागवत बस माने जाके सिटी पहुंचबे आमे देखि छु प्राय जतल बाबा को कोनो स्वागत चल थाए आमे जाई छु देखि छु प्राय समस्त सही तो बाबा निजे कहबे कोई मते नुवा कथा कि आसरा हम सही कथा को जाके कहि 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष कहि छि तो सही गुरु भाई माने आछन काहे कि ना हरि नामे की रस अछि पान कला लोक सब जानि छि हरि नाम रे जो रस अछि कि थरे पान करि छि से जानि छि ना एमार सब पान करि कि जानि छि जे हरि नाम रे को रस अछि तेणु समस्त सेठी उपस्थित अच्छा आ बेड़ापड़ा भागवत परिवार समस्त सदस्य कर्मकर्ता समस्त भक्तबंधु समस्त को समस्ती जय जगन्नाथ प्रति निवेदन कर आज कथा को आगे तेणु से भागवत कथा को श्रवण करने जाऊँ सुंदर तृप्तिर अवसान ना जिते देखुले नुआ लगु पाई जिते शुणा नुआ लगे कहीं ये पुराण कहते ये महापुराण आमे देखुचे अनेक प्रकार पुराण सब अच्छा ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्म पुराण कुर्म पुराण लिंग पुराण गरुड़ पुराण मार्कंडेय पुराण शिव पुराण अनेक प्रकार पुराण को आम देखुचे सबको पुराण कहुता बेले ये हूँ महापुराण सबको शास्त्र कहुता बेले ये हूँ परम शास्त्र श्रीमद भागवत कहीं कह द्वापर युग सरे सरी जाऊँ कली युग आरंभ हो आसुच भगवान कृष्ण कौन कर उद्धव को डाक कौन हे उद्धव ब्रह्मा जी मोहर नंदन गोविंद संगे नर हे मम गोविंद 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 आत्मा मोहर पशुपति गोविंद ब्रह्मा जी मोहर नंदन ता संगे नर हेम मन ब्रह्मा हूँ मोर पुत्र ब्रह्मा खुशी गले कहे जा मो प्रभु आज मत कहे ब्रह्मा जी मोहर नंदन आउ ब्रह्मा केमी खुशी हुए नहीं ब्रह्मा पूरा आनंद गद गदले जाओ प्रभु को मुखर आज बारिगला मुझे भगवान को पुत्र ब्रह्मा जी मोहर नंदन तापर भगवान कहते ता संगे नर हेम मन ब्रह्मा जी मो चतुर्मुखर ब्रह्मा जीत खुशी थे सागे सागे मुह शुखिला संगे नर हेम मन ता सहित मो मन रही
आत्मा मोहर पशुपति तांको सह नर हे मरति आत्मा होचंती पशुपति शंकर भगवान तांको सहित मध्यम मति नडा तांको सहित मोर पडेना लक्ष्मी जे मोहर करणी लक्ष्मी होचंती मोर पत्नी तांको सहित मध्य मोर पडि नथाय किंतु भगवान निजे कहिले उद्धव को तू जेडे मोर प्रियतम आउ के नाही तो सम तू मोर जते के प्रिय तो भया भक्त को पाई परबी नाही कोठी खोजि के पाई परबी नाही भगवान निजे उद्धव को कहचंती उद्धव कहले प्रभु ते टीका ठीक करी कहिवार कारण कोन प्रभु कहले हे उद्धव मु मोर तो जन्म न थाय के मृत्यु न थाय तो नाम आपन कोथली भगवान कृष्ण को नंदोष्य बोली जन्म मृत्यु मोर न थाय तेनु अजन्मा मुहि धर्म नाश बोले सच्चाई कळे बर धरई भगवान कर जन्म न थाय कि भगवान कर मृत्यु नथिबारो प्रभु होचते निजे साक्षात अजन्मा पुरुष ताकर जन्म नाही कि ताकर मृत्यु नाही त भगवान कहचंती मु स्वधाम जो धाम रु मु आसीतिली स्वधाम मु से निज धाम को पड़ी गमन करबी उद्धव करे तले प्रभु आमे आपण को लीला को केमि जानि परिबो आपण को लीला को आमे केमि बुझी परिबो प्रभु कहिले धर्म भागवते स्थितः मु निजे धर्म स्वरूप रे श्रीमद भागवत रे स्थिरीकृत हे कि रहिबे कपट धर्म जार नाही परम शास्त्र जे को नाही गोविंद 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 कपट धर्म जार नाही परम शास्त्र जे को भागवत रे कहउचंती कपट धर्म जार नाही परम शास्त्र जे बोलाई तनी भागवत जाहि कि धर्म ह प्रजोजित कैत्र वत्र परम निर्वश्चरण सता विद्यं वास्तव मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयन मूलनम तेणु जो श्रीमद भागवत जमी परम पूज्य दिव्य कृष्ण कहते भागवत कथा को शुणिले तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः ये भागवत को जी शुणती तीन प्रकार ताप कारण आम जी मनीष समस्त जन्म हो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आम समस्ते पड़चे यार निश्चित मिले सहित तीन टा कूपन कौन तीन प्रकार ताप आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ताप त्रिताप द्वारा दग्धीभूत जीव होती आम समस्ते अनेक प्रकार दुख क्या शारीरिक दुख मिले जमी आम बर्तमान टे शारीरिक दुख से अच्छु आम तटीटी बर्तन आउ ना से पड़ जाइए तेणु विभिन्न जगार पाणी पवन चेंज होवर ये तंटी कार्तिक मसटा सारा संपूर्ण गोटे मस धरी प्रवचन है पाणी पवन बारंबार 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 चेंज हो तेणु मैंने कार्तिक मसठ पूरा डिसेम्बर मस आसिक यार तारिख पर्यंत गोटे दिन भी आम फाकल पर सब दिन स्कूल सारू सका उठबू स्कूल सारू आउे पुणी पाँचटा हो तो गाड़ी आस लगे घर सामने पुणी प्रवचन बाहर पुणी रात आस शु सका प्रार्थना पुणी गलु तेणु ये गोटे रुटीन लाइफ होता है शोवा कम होता है शरीर असुस्थ से टे थंडा हो जाए आउ कंठ से बाबा सहित पाई मैं धरी पारे ना बाबा सहित पाई धरने में अक्षम हो गली ना बाबा जो हाई पिच रे गाँव से पिच गला मो तंटी आवस्था पड़ी से आउ रही ना खोल न था कहली बाबा दिव्य कृष्ण बाबा गाँव मुझे गाई पारि ना मो तंटी पड़ गई कथापारे तेणु बाबा गातु तेणु ये बाबा कृपा जमी हम गुरुदेव सन्त महापुरुष मान कृपा जमी हम सेमती शुणा आज गोटे सुंदर भक्त प्रसंग शुणा जे होचंती बोल श्री सुदामा महाराज की साक्षात भक्त श्री सुदामा भगवान श्री कृष्णकर परम पावन भक्त सुदामा महाराज चरित्र को आम शुणा कहीं कह कारण हूँ भगवान कथा तो अमृतमय कथा ये कथा को आम शुणा तो शुणा निश्चित भाव में शुणा कितु प्रभु कथा आम अनेक बार शुणी भक्त कथा जी आम शुणा प्रभु शरण को जीवा पूर्व जो भक्त शरण को आम जावा प्रभु आहरी आम पर सदय हे कहीं कह ना प्रभु शरण को न जा भक्त शरण को गले मनीषर जो अनेक लाभ होता है आम ता जाने
आजे में जने भक्तों को कथा सुनिबा आ भागवतर तो केते भक्त माने को उदाहरण सब कहि चंदी निजे श्री सुखदेव गोसाई महाराज सुनि चंदी परीक्षित महाराज अनेक भक्त माने को कथा श्रीमद् भागवत रे मध्ये प्रार्थना चिन्ह लेत कोतिलु खाली भागवत रे भक्त चरित 100टा 150टा 100 खाली आमे कोइतिलु भागवत रे को भक्त चति रेमिति महाराज कोतिले अंबरीष चरित ये इतरा 3टा 4टा 100 खाली अंबरीष ऊपर व्याख्या आइतला तेसरे मते शपथ भाईना तो ताकू तो केतले आमे कोन डाकू आमे जानबा केतले शपथ भाईना डाकू तनु केतले बाबा डाकू पुने केतले सार डाकू केतले कोन डाकू आमे जानि परुना तनु शपथ भाईना कहले कोन तोटे काम करो सब को जदी गोटे एपिसोड रे जदी सारी परतो सारे नले तो भागवत रे भक्त चरित कहना आ गोटे कोन गरम तो जदी कहचु क तू देखु जो गोटे को लेके तू 3 4टा कर दो जो एपिसोड चला आमे कोन करिया सब जते भक्त रे समान कथा केमेदी कहिया तनु तू गोटे एपिसोड जदी गोटे कथा को जदी 3 4टा छोड़ करबे तनु जते पाछ ताको शॉर्ट रे संक्षेप रे ताको सारे तनु ये भक्त मोर कथा खले 9 प्रकार भक्त रे कथा मोर चली थाई प्रार्थना रे भक्त बहुत भक्त मान कर कथा प्रार्थना रे आमे निजे चैनल रे कहिछु गुरु गोविंद पर संत महापुरुष मान कर अहित कृपा रो कित्ते भक्त सब कित्ते तन्मधुर अन्यतम भक्त सुदामा भगवान कृष्ण पर जे बाल्य बंधु भगवान पाठ पढ़ुचंती गतकाली जेमती कहुतिले गुरुकुल भगवान कर आश्रम जोटी भगवान पाठ पढ़ुतिले शांतिपुनी मुनि को आश्रम उज्जयिनी अवंती नगर शांतिपुनी मुनि को आश्रम रे भगवान कृष्ण निजे रे सेठी पाठ पढ़ुतिले मात्र 2 मास 4 दिन 64 दिन रही भगवान कृष्ण 64 दिन रे 64 प्रकार विद्या को भगवान श्री कृष्ण निजे सेठी आयत करिचंती कितु प्रकृति रे सीले सर्वज्ञ सीले साक्षात ज्ञान तेणु जी ज्ञान सी मध्य जाऊँच ज्ञान ग्रहण करने जगत को शिक्षा दौरान गुरु ही सबकि गुरु कृपा कर कृपा कर सती ददरा नारी घर गुरु कृपा करो कृपा करो सत्य ददरा नारी मोर घर गुरु कृपा करो कृपा करो गुरु कृपा जाके अहित की कृपा गुरु कृपा जी अच्छी कहाँ पाखे बाबा श्री सत्यानंद दास महाराज उपरे गुरुदेव कृपा जिते बड़े गुरुदेव कथा आलोचना हम आम कह बाबा कहते बाबा कांदी पकईबे गुरु कृपार महिमा कौन गुरु महिमा कौन पूरा संपूर्ण गुरु कृपा गुरुनिष्ठ संत परम पूज्य बाबा सत्यानंद दास महाराज आ गुरुनिष्ठ आ गुरु कृपा पूरा तांको ऊपर अछि गुरु कृपार महिमा आ ताते गोटे स्वतंत्र उदाहरण होउछन्ति परम पूज्य बाबा से सत्यानंद दास महाराज गुरु कृपार महिमा कर तांको ऊपर संपूर्ण गुरु गोविंदकर कृपा गुरु गोविंदकर करुणा अछि कारण आमे जदि आज प्रवचन दउछु गुरुकर कृपा कारण ए भागवत धारा को गतिछन्ति बाबा भागवत सात दिन प्रवचन धारा ता निष्ठा संपूर्ण मते बतैछन्ति बाबा कारण आग्रह तुम प्रवचन दौले आम जान नु गुरु दीक्षित हो नु जान नु भागवत निष्ठा प्रकृत में कौन एमती कौटी 2 दिन प्रवचन पढ़ु भागवत कहवापी कौटे 3 दिन 7 दिन प्रवचन आम से दौन जेहतु आम जान नु प्रकृत निष्ठा कौन जिते बड़े बाबा निकट को बाबा स्मरण को आम आस मत निष्ठा बतईली आम जानू हरिकथा कहल कितने गुरु दीक्षित हो नु प्रवचन दौलु आम से कहचु भगवान कृपा भगवत कृपार महिमा कर आम ग्रंथ पढ़ी नथिबु ग्रंथ अध्ययन करथिबु हठात से आसिक कान में कहीदे ये प्रसंग उपर टे कहतु आज्ञा से प्रसंग मनु जहाँ कहीदेवे आ ग्रंथ देखा बेलू ता लिखाई थी मुझ पढ़ी नी से कौन लिखाई थी मुझे पढ़ी नी जा मंच पर कहीदेवि जहाँ कंठ ने आसना कहीदेवि आसिक ग्रंथ देखा बेलू ता ही लिखाई थी गुरु कृपा बल भगवत कृपा बल कौन नही पारे सब ये पारे ताहार नहिले करुणा ब्रह्मा शंकर गोविंद गोविंद गोविंद
बोल श्रीमद् भागवत भगवान की त्रुताहार नहिले करुणा ब्रह्मा शंकर वंती बोला जहांकर करुणा जहांकर कृपा नहिले ब्रह्मा शंकर ए माने बड़ा हि जानती से होचती भगवत कृपा भगवान कर कृपा तनो भगवत कृपा जे हि चती सुदामा को ऊपर भक्त सुदामा महाराज को ऊपर भगवान कृष्ण निज कण करूचती गुरुकुल रे विद्या अध्ययन करूचती पाठ पढूचती भगवान को भली बंधु मिलिबे नै भगवान को भली सखा मध्ये आपण पाई परिबे नै मो बंधु करी अछि दिन बंधु को तनो काग बंधु करी छि साक्षात दिन बंधु को बंधु करी छि भगवान कृष्ण निजे सेठी विद्या अध्ययन करी जेते बले सुदामांतर सहित परस्पर आलोचना মানে গুরু এতে কোথাকি কৃষ্ণ সুদামা একাঠি বসে পাঠ পড়ু থাকে গুরু কইবে গোটি গোটি কথা ধরা যায় গুরু গোটি হঠাৎ প্রশ্নটি পচারলে গুরু গোটি প্রশ্ন পচারলে হাতটিকে কি কহিব ভগবান কৃষ্ণ আগে টিকে তলম্বা হইকি দেখিবে সুদামা হাত টিকিছি না টিকিনি আর যদি সুদামা হাত টিকি ফালতি তাহলে ভগবান কৃষ্ণ হাত টিকিবে আর যদি সুদামা হাত টিকি নথিবে ভগবান কৃষ্ণ হাত টিকিবে নি বলে ভক্তবৎসল ভগবান কি জয় আগে তলকু টিকে দেখিবে সুদামা যদি হাত টিকি থিবে কারণ গুরুকুলের গোটে নিয়ম থিলা এবে তো সেই নিয়ম নাই পুরা দণ্ড মুক্ত অঞ্চল হয়ে যাইছে টিকে যদি মারি দৌছি টিকে যদি কি গালি করে দৌছি সঙ্গে সঙ্গে দেখি বাপাঙ্ক পাখেরে মাগ পাখেরে এ মতে সে গুরুজি মাইলে সে সার মতে মাইলে সে সার মতে এতা কলি আর বাপা মা কলি কোণ মো পুকু সার মাইলে মো পুকু গুরুজি মাইলে ছাড়িবি যাইকি একাত্রে ঝগড়া পাড়িতন করিকি দেনে আসলে আউ কৃষি ধরিকি আসলে পুরা আগে স্কুলে পাঠ পড়াইলে আউ ই আজিকালিকা শিক্ষা আমি পাউছে আউ কোণ কিন্তু সেতেবেলে যে মাড উঠাই মতো কোথাকি আম জেজেপা মূলরে আম অজা জেজেপা মানে সমস্ত মতো কইবে আরে তমগড় সিনা দণ্ড মুক্ত অঞ্চল মো জেজেপা মতো কইবে রে আমি আর নতুন মাড খাউছিল আমি গাই গরু গলে পড়ছিল আম সারে আর অজা বি মতো কইবে গাই গরু গলে মাড সব আমি খাউতাউ বহুত মাড আমি খাউতাউ তেণু মাড়ে আম জীবন চালি থাকে তথাপি সে মাড়ে মধ্যে আমি গুরুজীকর শিক্ষকর কৃপা মিলু থাকে কিন্তু এবার তো দণ্ড মুক্ত অঞ্চল সেতবে সাদীপনে গুরু নিজে কোণ করে গোটে উপায় করে গোটে মার্গবতী থাকে যাহার পাঠ মনে রহব রহব না সে কোণ করব না জঙ্গলক যাই সমিত সংগ্রহ করব কাইকি না এক দণ্ডক দণ্ডাইগলা জঙ্গলে যাই সমিত সংগ্রহ করব দ্বিতীয় আশ্রমর গুরুঙ্কর সেবা মধ্যে টিকি হইব একাথারে আমি যেমন যাত্রা দেখা কদলী বিকা যাত্রা দেখা মধ্যে হয়েছ কদলী বিকা সব হয়েযিব তুমি এইপাই কোণ করতে সাদীপনী মুনিকর গোটে নিয়ম লা গোটে নীতি লা গোটে নিষ্ঠা লা আউ এই নিষ্ঠা সব তাঁর শিষ্য মানে পালন করুলে ভগবান কৃষ্ণ দেখিবে সুদামা যদি হাত টেকি দিয়েছি তাহলে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র নিজে হাত টেকিবে আর যদি সুদামা হাত টেকি না তাহলে ভগবান কৃষ্ণ কবি না 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 মু হাত টেকি পারিবি না বলে ভক্তবৎসল ভগবান কি জয় ইয়ে হচ্ছে যেতবে সুদামাঙ্ক খাদ্য আসি পৌঁছিব আশ্রমে তাঁর বাপা পঠাইবে আশ্রম রয়েছে যা হলে খাও ধর খাইয়া পঠাইবে সেই চূড়া পঠাইবে কি খুদ ভজা টিকি পঠাইবে সুদামা কিন্তু নন্দ যেতবে পঠাইবে ভগবান কৃষ্ণ মাখন পঠাইবে সর পঠাইবে দহি পঠাইবে ক্ষীর পঠাইবে ছেনা পঠাইবে মালপুয়া পঠাইবে যেত প্রকার খাইবা সব থাইপারে নন্দ পঠাইবে রাজা ঘর নন্দ রাজা কিন্তু ইয়ে সুদামাঙ্কর বাপা নিজে কোণ করে যেহেতু দরিদ্র ঘর সেইপাই খুদ গজা টিকি পঠাইবে নিজে ভগবান কৃষ্ণ কোণ করবে এ মালপুয়া দহি ক্ষীর ছেনা সব দিয়ে সুদামাঙ্ক সুদামা পাখে যে খুদ গজা থাকবে ভগবান কৃষ্ণ তাকে সে নিজে পাইবে বলে ভক্তবৎসল ভগবান কি তবে এমিতিয়া বন্ধু বিশ্বরে খোঁজলে আপনার মানে কোটি পাইপারে না গতকালি কোথায় সংসারে যে বন্ধু দেলা নেলা বন্ধু নদেলে নিলে কে কাহার তিন বন্ধু হে বন্ধু তুমি মোর আজিকালিকা বন্ধু কেমিতিয়া না দেলা নেলার বন্ধু তু দৌথবু মু নউথিবি যদি দেলা নেলাটা ঠিক আছে তাহলে বন্ধু রহিলা আর যদি দেখিলু দেলা নেলাটা যদি টিকে গলতি রহি যাইছে তাহলে সে বন্ধু কেউ রকি বন্ধু লাভ কর বন্ধু কটলা বলে ভক্ত বসছিল ভগবান কি অনন্ত হরি Yeah.
ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ଚାଲିଛି। ଇଏ ବନ୍ଧୁର ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଏମିତିଆ ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ସୁଦାମା ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ସ୍ନାନାର୍ଥୀ ସୁଦାମା। ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଡାକୁଛି, ଜୋରେ ଛିଲେକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଶୋଧୁଛି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ତାର ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ରଖିଥିଲା, ଖୁଦ ଗଜା କାଳିକା ଟିକେ ରଖିଥିଲା। ତାକୁ ଆଣିକି କେଉଁ ଡକାୟତ ତାକୁ ଧରିକି ଚୋରି କରିକି ନେଇ ପଳେଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଇଏ ତ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଯିଏ ମୋ ସିନ୍ଧୁକରୁ ଚୋରି କରିକି ଟିକେ ଧରିକି ଚାଉଳ ପଳେଇଛି କିମ୍ବା ଯିଏ ଖୁଦ ଧରିକି ପଳେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଆରେ ତିନି ଜନ୍ମ ତା ସେ ଅଙ୍କ ହେଇଯାଉ, ତିନି ଜନ୍ମ ସେ ଗରିବ ହେଇଯାଉ, ତିନି ଜନ୍ମ ସେ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଉ, ତିନି ଜନ୍ମ ସେ କାଙ୍ଗଳା ହେଇଯାଉ, ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ସୁଦାମାଙ୍କର କାନରେ ସେ କଥା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସୁଦାମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ନଥିବାରୁ ସେତେବେଳେ ତୁ ରହିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ କାମ ସରିଲା। ଆଉ ଜାଳେଣୀ କାଠ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନାହିଁ, ଗ୍ୟାସ ଲାଇଟର୍ ଅଛି ତ, ଲାଇଟର୍ ଅଛି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ଅଛି? ଲାଇଟର୍ ଅଛି ବା ସରିଲା ମାରିଲେ ଠକ୍ କିନା ଭଟ୍ କିନା ରୋଷେଇ କଲେ ଭଟ୍ ସିନା ଭାଗେଶ କିନା ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଜାଳେଣୀ କାଠ ନଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ରୋଷେଇ ହେବ। ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁଦାମା ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବାହାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ବାଟରେ କାଳେ ଭୋଗ ହେବ, ସାନ୍ଦୀପନିକର ଯେ ପତ୍ନୀ ଗୁରୁମାତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲେ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଦେବୀ। ଶୁଶ୍ରୂଷା ଦେବୀ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁଦ ଭଜା ଏଇ ଡକାୟତମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧେ ଧନରତ୍ନ ସେ ତା ଦେହରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖୁଦ ଭଜା ଅଛି ଆଉ ତାକୁ କିଏ ପାଖରେ ରଖିବ। ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଲେ, ଯିଏ ଯଦି ପିଲା ଖାଇବ କାହିଁକି ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏପଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଦାମାଙ୍କର ମନେ ଅଛି ସେ ଅଭିଶାପ କଥା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତୋର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଖୁଦ ଭଜା ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁଦାମା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୁଦାମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସୁଦାମା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା କହିଲେ, ସେ ଯାହା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ୟାକୁ ମୁଁ ପାଇଦେବି ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ନା, ୟାକୁ ଯିଏ ପାଇବେ ସେ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ, ସେ ଗରିବ ହେଇଯିବେ, ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେବି? ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଚାହିଁବି ମୋ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି? ମୁଁ କେବେ ମୁଁ ତା ଚାହିଁପାରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁଦାମାଙ୍କୁ, ହେ ସୁଦାମା, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଉଛ କି ବହୁତ ତୁମ ପାଟି ମାନେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ତୁମେ ଖାଉଛ କି ନା? ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶୀତ ହେଉଛି ନା, ଆଉ ସେ ଦାତ ରଡ଼ମଡ଼ ରଡ଼ମଡ଼, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ନା ଲାଗୁନି ବା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀତ ଟିକେ ଲାଗୁଥିବ, କାରଣ ଇଏ ବ୍ୟାସାସନରେ ବସିସାରିଲା ପରେ ଆସି ବସିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିଲୁ, ଶୀତ ହେଲା, କ୍ୟାପ୍ଟା ପିନ୍ଧିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗରମ ହେଲା, ପୁଣି କାଟିଦେଲୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗରମ ଶୀତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଶେଷରେ କହିଲୁ, ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଶୀତ ଲାଗିଲା, ପୁଣି କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିଲୁ, ଖାଲି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଆମେ କହିଲୁ ୟାକୁ ଆଉ ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ, ଏ ଶୀତ ହୋଇକି ଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଏବେ ଶୀତ ଦିନ, ତେଣୁ ଶୀତକୁ ଟିକେ ସହିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଖରା ଦିନରେ ଖରାକୁ ଟିକେ ସହିବା, ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷାକୁ ଟିକେ ସହିବା, ଶୀତ ଦିନରେ ଶୀତକୁ ଟିକେ ସହିବା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସେଟା ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଲେ ଆମକୁ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ଆମେଠି ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ଅଛି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତି ଦାଉ ସାରିଛି ନା ଆମ ଉପରେ? ପ୍ରକୃତି ଦାଉ ସାରିଛି, ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ସିନ୍ଧା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ମାଆକୁ ଯେ ଭୁଲିଗଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯେତିକି ବସିଛେ, ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ହେଲେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଖରା ହେଲେ ଖରା ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଲାରେ କ'ଣ କରିବି, ଲୁଗାପଟା ଭିଜିଗଲା, ସବୁ ଭିଜିଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତି ସହିତ। ସିଏ ଯାହା ହେଲା କାହିଁକି, ସୁଦାମା କହିଲେ, ନା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଶୀତଟା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ତ, ଆଉ ଦାନ୍ତ ସହିତ ଏଇ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସୁଦାମା ମହାରାଜ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଇଏ ଖୁଦ ଭଜାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ କେବେ କଦାପି କହିଦେବି ନାହିଁ, ଇଏ ଖୁଦ ଭଜାକୁ ମୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ କ'ଣ ଇଏ ସୁଦାମାସି ନିଜେ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖୁଦ ଭଜା, ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଖୁଦ ଭଜା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖୁଦ ଭଜା ଦେଉନାହାନ୍ତି।
भगवान कृष्ण देखिले आ भगवान कृष्ण सुदामार दुख को बुझी पाले नाही मानवलीला भगवान कृष्ण करचंती मणीस भलाईला भगवान कृष्ण करचंती आमे कहितलु भगवान कृष्ण इति प्रगट ही नांती भगवान कृष्ण साक्षात जन्म हिचंती आ सब जेतक देवता मानक नाम समस्त नउची ये समस्त देवता मानकर तिथि अनुसार आमे नृसिंह चतुर्दशी बामन द्वादशी किंतु भगवान श्री कृष्णक क्षेत्र रे आमे जो ना नउची और जो शब्द को ग्रहण करुचे जन्माष्टमी जे भगवान कृष्ण जन्म इतने ना तुम भगवान कृष्ण मणीष भलिला करे करे सुदामा अरे तमे याकु पाइतर तमे याकु ग्रहण कल किंतु मते तमे ताकु टिके देलनी भगवान कृष्ण सुदामा को छाड़ी सब दिन पाई चली गले सेठी आउ सुदामा को दृष्टि देले नाही दिने से समय आसी पहुँची गला जो समय कौन करिथाय ना भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश करिदेइथाय भगवान कृष्ण कौन हेइथान्ति ना द्वारकाधीश द्वारकार राजा हेइथान्ति साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारकार राज सिंहासन साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र वंके भेरी लाल भगवान निज विराजमान करिचंति एवं सेठी अत्यंत आनंद से गति करचंति बोले भक्त वत्सल भगवान की जय बोल नंदे कुमार ई हरि बोला बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା ହେଇକରି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ରାଜ ସୁଦାମା ଯିଏ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ଭକ୍ତ ସୁଦାମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଏ ଯେତେ ବିପଦରେ ଥାଏ ଯେତେ ବି ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ କହିବି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଦୁଃଖ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତ ମୋ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୋ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ ପୁଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୋ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେଇଯିବେ ତେଣୁ କଦାପି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବି ନାହିଁ ସୁଦାମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ଦେଉନଥାନ୍ତି ହଠାତ୍ ଦିନେ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥାଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଥାଏ ଚକ୍ରଧର ଯିଏକି କାଶୀ ରାଜାଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ ଅନେକ ରତ୍ନ ଅନେକ ଅର୍ଥ ମିଳୁଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଠାତ୍ ପାଲିଙ୍କିରେ ସେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ନାମ ଧିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲାରେ ଗାଁରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର ଥାଉ ଥାଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତିଆ ଛପର ଘର କାହାର ପୁଣି ଅଛି ବିଚାର କରି ଆସି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ ସୁଦାମାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ଯାହାଙ୍କର କି ଆଉ କେଶରେ ମାନେ ତେଲ ତ ନାହିଁ ଆଉ କେଶ ମାରିବେ କେମିତି କେଶ କଳା କେମିତି ହବ ତେଣୁ କେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଅଧା ଧଳା ଆଉ ଅଧା କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ଧଳା ନୁହେଁ ଅଧା ଧଳା ଅଧା କଳା ହେଇଯାଇଛି ନିଜେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କେଶ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେଶ କାହିଁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଧଳା ହେଇଯାଉଛି ମୋ କେଶ କାହିଁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି କାହିଁ କେମିତି ହେଉଛି ନା ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛେ କେତେ ଚିନ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରୁଛେ ବହୁତ ଲୋକ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯେ ଚିନ୍ତା ଆମଣି ତେଣୁ ମୋର ଚିନ୍ତାର କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଶରୀର ଯଦି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମନକୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତନ୍ନ ମନ ଧନ ଯଦି ସବୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ କେହି ଚିନ୍ତା କରିବ ତମ ଚିନ୍ତା ଭଗବାନ କରିବେ ନା ଆଉ ତମେ କେହି ଚିନ୍ତା କରିବ ଚିନ୍ତା ମଣି ତା ପୁଣି ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଇଏ ସବୁ ମଣିଷର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋକାମୀ ଆରେ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ଚିନ୍ତାମଣି ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ପୁଣି କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯଦି ଚିନ୍ତା କେବଳ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ହଠାତ୍ ଚକ୍ରଧର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ
देखले सुदामा को पत्नी कर ए रूप को देखी से आश्चर्य गला रे क्या गरीब घर को के थाई पारे किंतु सुदामा ई तो सकाळे घड़ी को रात्रि घड़ी सब बोले भगवान कृष्ण 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 सब बोले कृष्ण कर भजन केवल कृष्ण 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 ही गाउतरी सुदामा भगवान कृष्ण कर भजन सब बोले मुख में नाम धरो हाथ में काम करो हाथरे काम चलिथिबो मुखरे नाम चलिथिबो हाथे करी काम मुखे गाई नाम अंत लभी भी तो भक्ति जन करी काम मुखे गाई तम नाम अंति नभूवित भक्ति जग मोहन हे अवसान काल रात्रि हाते करी काम मुखे गाई नाम हाते काम चलिथिव मुखरे मध्य नाम चलिथिव भगवान कर तुंडरे भगवान कर नाम संकीर्तन तुंडे बोलई हरि हरि भो जगन्नाथ दैतारी अरे तुंडरे मध्य हरि नाम चलिथिव तुंडरे मध्य हरि संकीर्तन चलिथिव तुंडरे मध्य भगवान को नाम संकीर्तन चलिथिव तुम सुदामा भगवान का नाम संकीर्तन सदा सर्वदा मजिकी रहुचली चक्रधर देखिथिले सुदामांकर ये परम पावन अवस्था को जतबेले चक्रधर देखिछन्ती जा सुदामा भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन करुछन्ती किंतु निजे इते दुखर अछन्ती तुम कोन करिवा चक्रधर निजे चिंता करुछन्ती आकु नेकी गोटे काम करिया मुलो राजांकर बड़ पंडित दिग्विजय पंडित अछि तांकु नेकी छड़ा करी गोटे श्लोक से गाइबे कारण बहुत ज्ञानी बहुत मध्य से ज्ञानी आम पिला दिन पाठ पढ़ा बेलू जानी ये बहुत ज्ञानी बहुत बड़ पंडित तेनाली राजा द्वारा छड़ा करदे राजा आगे से भजन गाइबे और श्लोक परेषण करेंगे राजा अर्थ बहुत खुशी किसी देवे चिंता कर चक्रधर सुदामा को धरी जाइए सुदामा कह ना 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 मुझे पुणी जाए राजा आगे गीत गाइबि राजा आगे पुणी श्लोक गाइबी भगवान कृष्ण थाउ थाउ मुझे क्या पाखे श्लोक गाईपरि ना क्या पाखे गीत गाईपरि ना क्या पाखे मंत्र गाईपरि ना कारण बहुत लोक आजिकल अच्छा चिंता करते मत बहुत लोग से कहते आगे आम प्रवचन में बहुत लोग कहते हाइलाइट होगा ये कौन हाइलाइट कौन अधिक लोक होती कौन ये कौन आज लोक प्रवचन चलती कि गाली जन मत आस भाई जन कहे कहे ठीक लोक आगे शीघ्र आसते डेरी कहीं आसे मुझे कहली भाई लोक प्रवचन चलती कि आम कौन लोक प्रवचन दूसरे कि लोक डेरी आसतु कि लोक शुद्ध न आसिले भी दुज थी भी मो आराध्य ठाकुर केशवचंद्र कहले दुईज थी भी सत्संग किसी कथ ना तुम्हें दुईज थी भी आनंद सत्संग आमर हजार हजार लोकर कि आवश्यक ना लक्षाधिक लोकर कि आवश्यक ना जी शुणुंट मन दे कि भगवान कथा बस्तु को शुणु कारण बहुत लोक सब अच्छा कौन करती प्रवचन चलिथ्व हरिकथा चलिथ्व भगवान कथा चलिथ्व किंतु एपटे पाटीतल जाऊ बेड़ापड़ा ग्राम से ता देखा जाऊना कारण बाबा ये 19 वर्ष अनुषान मैंने आपने सब भागवतमय ना बाबा जमी कहते भागवतमय अवश्य मत लगुच आज के भागवत पढ़ुते कार्य थे कई पढ़ुते मात्र ये लोक थी 12 जन लोक 19 वर्ष से 12 जन लोक भागवत पढ़ुते गत काली हाथ उठे 12 जन लोक लगुच आज पर हाथ टेकिले तो समय चली जा हाथ टेकोन क्या कहीं कष दे शीत लगुव समस्त को समस्ते आज हाथ दौथे तेना स्वीटर हाथ पुरी दूथे तेना कहीं कष्ट देव तेनाली समस्त हाथ टेकार कौन से आवश्यक ना नीति भागवत पढ़ से भाव में मन कर तो दृढ़ तो नीति भागवत पढ़ ना से भागवत मन को तो दृढ़ कर ना आम अति अदम मो बापा मा कि आशीर्वाद कि संस्कार मत मिलते निजे सब बड़े मो बापा गोटे मत सुंदर कथा कहते कहते जे तोर पाठ पढ़वार आवश्यक ना तो पाठ पढ़ा मोर दरकार नहीं तू गोटे भल चाकिया हो मोर दरकार ना कि भागवत पढ़वे चरम पढ़वे आराध्य ठाकुर केशवचंद्र सर्वशास्त्र मीमांसार गोटे शास्त्र ग्रंथ जहाँ कि चरम सब शास्त्र मीमांसा से चरम अच्छे चरम पढ़ा भागवत पढ़ा परम तेणिक से श्री गुरुदेव को शुभवार्ता
ये पढ़ाने तो भूल करीबु नहीं तो पाठ्य जितने परसेंट रखूं चुड़ा कम वर्षे तो रिकी जिकता नहीं आउ ये परीक्षा कौन परीक्षा अरे गोटिये भाई तोर अमर खाली गोटिये राती जब आलोचना ही जाए ताहले बात सही ला काम सही ला तू जे परीक्षा रे सब तो ओडिशा टप्पर ला पिला हुची तब तू वो आपा मत भरोसा दियो ते बड़ो दियो ओडिशा टप्पर पिला हुची तू स्वागत मत करे मत पाठ्य पढ़िया पे कोई पढ़िया पे समय में बैठन न थाई मो बड़ो दे कोन करथिबो तथ्य जे थोड़े बही नै जा गाड रे बसी पढ़िबो तू मत बही दोचो गाड रे बसी पढ़िया पे आसी कि मो देखु छु केड़े ये रे अछि जाउ छी मो पता आसी कि तू गाड रे दोचो बही पढ़िया को बहुत बड़ो बड़ो भारी बड़ो दत्र न होतु त आसी कि दोउ छी मत पढ़िया पे बही आउ जा जा ताको मु खेदि दिए तु मते किछि बही देबा आवश्यक नै तु मते जमा ये करियार बसी एडवाइस देबार तोर किछि आवश्यक नै तु पड़ा कारण मु घरे ओइला माने हमर दुजन कर भीतर सबले के कोटर बे मान ए मा सबले चली पाए किंतु बाहाला ओड़ को जतले घरु बाहरे से मुटा सुखी थिबो जतले घरु बाहरि भी से मु सुखी थिबो आ तु पळैबो ना हो जाउ छौ कोन कहि तु पळैबो पुने फोन कोला बा तु आसीबो केबे तो ये ठीकाव खाली के का वे बा मते दुरा गते चली थिबो पुरी फोन को लागो आसीबो केबे ये तो भाई भोनी कथा भाई भोनी को कारी तो काके कथा कह जइबो तो ये ठीकाव खाली के का वे बा मते दुरा गते चली थिबो पुरी फोन को लागो आसीबो केबे ये तो भाई भोनी को कारी तो काके कथा कह जइबो तो से मध्य एमती मोर गोटे भौणी तार सबुले भागवत पढ़ा से देवी भागवत पढ़ सबु दिन तार भागवत पढ़ा मो माँ सबुदिन चरम पढ़ा मो माँ सबुदिन आराध्य ठाकुर श्री श्री कृष्णचंद्र चरम को सबुदिन आम सबुदिन आउ सबुदिन आम जहाँ भागवत को निश्चित भाव में पढ़ू अध्ययन करूँ यह गोटे आम घर गोटे व्रत समस्ते आम घर सबुदिन भागवत पढ़ा जाए तेणु ये बापा माँ मत यही गोटे संस्कार मूलठू जन्मठू मत संस्कार तू कि कर कि न कर तू आगे भागवत पढ़ी भगवान कृष्ण को शुणु तो भागवत पढ़ जब भगवान शुणी नए तेरे तो क्या शुणु आ तू कौन खाइबु ये प्रभु भक्ति पूरा हूँ प्रभु खाद्य लेकिन भागवत आगे ठाकुर को शुणु तेनाली तो संस्कार मत मो बापा माँ देखते भागवत आउ ग्रंथ सब आम ठाकुर पाखे सबुदी शुणाऊ आउ यही गोटे कथा मो पिता माता संस्कार मत संस्कारित कर से कथा पुणी बाबा मत बुझेदे कथा केवल महाप्रभु कथा के लोक मैं लोक को भल लगे लोक खराब लगू कथा के आई ना जेना गोटे जगह प्रवचन दौ मत आस कहे जन लोक बाबा प्रवचन रहे तत्व उपर कि कहले मुझे कह तत्व कौन कही था आजिकल लोक तो तत्व अर्थ कौन जोटा कि बुझीपारे ना ताको लोक तत्व बोली कहते मैंने कौन ये शरीर तत्व ए से भितर अच्छी शरीर से शरीर भितर एटी अच्छी या भितर कौन अच्छे गोटे लाइट अच्छी जो ज्योति अच्छी से ज्योति भितर बाहरी जाए पूरा प्रस्फुटित हो जाए ओ देखो से ये जो तत्व सब जो कहते कि न थाए तत्वर कौन थाए तत्व प्रकृति में क्या कह जाए ये तत्व हूँ गोटे दिन खाली तत्व आम लिखुल गोटे बही ये समय पर मसला लेखा छाड़ दे गोटे बही लिखुल तत्व विचार नाम बही गोटे ग्रंथ लेखा चली था तत्व विचार प्राय तीस पृष्ठा लिखीचु आउ शहे पृष्ठार बही गोटे लिखा होत्व विचार तत्व विचार विचार सब आचार्य मान विचार तत्व को नहीं विचार सब कौन रही है गोटे बही लिखुल तत्व विचार तादा बहुत सब तात्विक कथ अजना कथ सब गुरुवर्ग मान आशीर्वाद आम गोटे बही लिखुता तत्व विचार तत्व अर्थ कौन जहाँ को जान ले बुझे आ मनीषर भ्रांति रहे ना ताई हूँ तत्व तत्व बुझे तुटे भ्रांति भव सागर कर बुझे आ मनीषर भ्रांति न थाए तत्व बोली कह जाए आराध्य ठाकुर श्री श्री केशवचंद्र गोटे वाणी में कहीदे तत् तम तन्मात्र संयोगीकरण रु जो वैशिष्ट्य उत्पन्न हुए ही तत्व बोली व्याख्या करते कौन समय सापेक्ष तेणु भगवान कृष्ण निजे कौन कर सुदामा को कमी कृपा करीला हमारे ना खाली प्रसंग साक्षेपर कही शेष परीक्षित को मुख्य दे कथा बस्तु को विश्राम तेनाली भगवान कृष्ण सुदामा को निजे कमी कृपा कर चक्रधर नाम देय जी हूँ ब्राह्मण रायचंदी राजा आगे श्लोक पढ़ापी किंतु यांकर सुदामाकर जमा इच्छा ना पुणी मुझे श्लोक गायबी पुणी मंत्र गायबी मैंने राजा पाखे पुणी मंत्र गायबी श्लोक गायबी ये श्लोक ये मंत्र संपूर्ण भगवान श्रीकृष्ण चरण अरविंद उत्सर्गीकृत ता छड़ा क्या पाखे नुहे तथा भगवान कृष्ण परम भक्त सुदामा पहुँचले पत्नी कहे देख से सब कथ न कही तुम जाओ देख आम कति दिन है पंद्रह दिन है भोकिला अच्छे उपवास अच्छे हाउ भल लगे आम प्राण लगे तुम जाओ तेणु निजे भगवान श्रीकृष्ण परम भक्त कहले अत्युक्ति हम ना
कोण तांग पखरे भाषा थाई परे सुदामा पखरे कोण भाषा थाई परे कोण अर्थ थाई परे ओदे आपको लागोने किछ भाषा में देई पई बने सुदामा को मई वर्णन पहुंचरी चक्रधर ब्राह्मण को ये दुजन उभय पहुंची राजा का राजा देखुचंती सुदामा पहुंचले चक्रधर पहुंचले राजा एपडे कोण करूचंती निजे मद्यपान करी ई बेस्या मान सहित संग करूचंती सुदामा देखला रे ई उडे एमेटिया राजा ई निजे मद्यपान करचंती मद पिउचंती आजिके लोक मानक पखरे जेमिति आमे गोडे प्रवचन चलथे गोडे कार्यक्रम चलथे जने आसी कहले कहले पांचटी मो को तमे छाडियो ता भीतर गोटिए मो मोबाइल कोळी यंत्र मिच्छ यंत्र मोबाइल आजिकल मोबाइल माध्यम रे कोन न होची यूज मिच्छ यंत्र कोठी अछु जामुगार जदि थाई कहबो गणा पडार अछु तले कोन लाभ मिलिवो कोठी अछु ए आश्रमर बाहरली देखला तू जाय किथु जगसिंहपुर रे तो लाभ तो कोन मिलिवो एला मिच्छ यंत्र अच्छ कोटी ए जयदेव बिहार अच्छी बा देखाउ थियो आचार्य बिहार ने तुम कोन करा जीव ये होची मोबाइल होची मिच्छ यंत्र कळी यंत्र कळी रे मिच्छ ही मिच्छ ही मिच्छ ही मिच्छ ही मिच्छ ही मिच्छ मिच्छ दुनिया रे गोटिए सत सेम जगन्नाथ जगन्नाथ सत सत्य सत्य पुनः सत्य सत्य वैव सुस्थितम नास्ति देव नास्ति वाक्य नास्ति पूज्य गुरुत्वपरम सत्य केवल होचंती भगवान आउ जासवामी जगत रे देखुचे ये सब मिथ्या सब मिच्छ किंतु सत्य केवल भगवान सत्य केवल परमात्मा चिंता कले सुदामा जे इठी गोटे राजा पुणे मद्यपान करुचंदी सुरापान करुचंदी काहे कहुचि ना माछ माउस सुरापान गोविंद सुर भजन गोविंद 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 बोले भक्त वस्त्र भगवान की जय माछ माउस सुरापान ए अटे असुर भजन माछ मांस सुरापान माछ मु भी माछ खाए आपण माने जो माछ खाउछन से माछ खाउना आपण आउथे चिंगुडी भाकुर आपण से माछ ना सब अछि मु दिटा ना सुनितली ए पिला माने तरे कथा बोलते मु सुनितली चिंगुडी गोटे माछ भाकुर गोटे माछ ओटे कोन पाणिया ना कोन से माछ बोलते मु कोन पाणिया ना से कोन से माछ ना जानिनी आ गोटे कोन माछ ना सब को केते प्रकार माछ ना सब कोनती आ माछ ना मु सुनिनी खाली दुटा ना सुनितली चिंगुडी आ गोटे कोन भाकुर तनो ये माछना सब जाने जाने तनो जेते बेले माछ कथा विचार करा जाय कि तुम मु बड़ माछ आ माछ रखले मु गुरु बाहर ना विशेष करि मु माछ रो मोर 12 अछि मध्य आ तिथि मध्य अछि एकादशी रे मोर माछ खाया ता गारंटी आ जो दिन हो ना नको मोर एकादशी रो माछ खाया ता किंतु गारंटी आपन कोथे कोन ये की बाजी मानियो पड़िबो अरे ये मिथ्या बाजी निजे एकादशी रे माछ खाउची एकादशी पुणी माछ ईखी माछ ना एकादशी रे खाइबो माछ माछ केबे खातुनी ए माछ खाइबो केबे एकादशी रे काय कुचे एकादशी रे खाइबो माछ ने एकादशी रे माछ खाया कथा प्रकृतरे कारण माछ शब्द अर्थ कोन की मा कहले माया छर छर अर्थ होती छटी गुण माछ माया रे छटी गुण कौन कौन आमर तो षड रिपु रिपु कहले शत्रु आम जहाँ कहे गीता दृष्टिकोण काम क्रोध लोभ मोह मद आ गोटे हूँ माश्चर्य ये षड रिपु को ये छटी रूप को जो जो खाई गिड़ के पूरा हजम करदेबू से तिथि हूँ एकादशी एकादशी आप तो देव दे बाजी को देखी कि भाकुर पाणिया मानसी कौन दान पाणिया पाणिया खिया माछ ये माछ ना काले आड़े खाऊ प्रकृति से नवे ये एकादशी ये माछ खाइब कारण आम भावु था चंडाल किए आड़े झी लुगा काचिदे बोलते सी चंडाल तेल आम माँ तो लुगा खाऊ आम माँ चंडाल जे लाटिन मात्र सफा कर दे सी चंडाल आम तो मूल बर्जन कर लाटिन ने आम निजे लाटिन सफा कर आम चंडाल चंडाल प्रकृति सी नुहे सबुठ बड़ चंडाल हूँ क्रोध बाबा निजे कहते सत्यानंद बाबा अनेक बार शुणु कारण बाबा सहित बहुत आलोचना मोर ये बाबा सहित गाड़ी में बहुत आलोचना बाबा को जितने आश्रम थे पूरा बाबा जितने शोबे बाबा को दर्शन बाबा तुम्हें जा बापा और शईपड़ जा परिश्रम करके आई चुना शईपड़ बाबा पठेबे आम जीव आम प्रणाम कर आसपे किस समय जान थो बाबा पुणी हटात मुझे शोबी निदरे बाबा फोन करेंगे कौन ये कि बाबा मत शईदे मत कह जा शईपड़ पुणी कौन फोन कर फोन कर उठेली कहला कौन कौन ना आईलू टे कम अच्छे कहे कौन टे भागवत शुणिलु मोर कल सुते कि देखा टे शुणा टे कौन जाए कह देखा तू भागवत शुण मत कह कौटा शुणी ना यही सुना पे आश्रम मुझे आश्रम अच्छी
তাহলে যাই কি বাবা আশ্রমর অছন্দ প্রোগ্রাম করতে নাই তাহলে খালি ঘন্টায় খালি বাবা শুনন্তি ইয়ে বই পড়ে কি গ্রন্থ পড়ে কি বাবা খালি শুনন্তি আমি খালি পড়ি বাবা খালি শুনন্তি গোটে গোটে ভক্ত কথা কইলে বাবা বাবা তো আপনার দেখিতে বাবা কেতে ভাবুক আপনার সব জানিতে ভক্ত কথা কইলা মানে বাবা পুরা কান্দি পকান্দি গুরুগ কথা মাং কথা কইলা মানে ভক্ত কথা কোথু বাবা অটকি যাবে বাবা ধ্যানস্থ হয়ে যাবে বাবা ধ্যানে বসে পড়বে আর কিছু কইপারি মানে ঠিক আছে তুই যা আর কালি সকালে পড়ে আসিবু তুই যা আমি বাবা প্রণাম করি পড়ি যাবি তো যে ভাই মানে সব অনেক বাবা মতো কেতে ভাল পাঁচ আও সব ভাই মানে জাঁথি বাবা ভাল পাওয়া এই অধমপতি কেতে সব আপনার মানে দেখিবে জাঁথিবে আউটি বাবা আপনার দেখবে এপরিকি মো সহ মজা করি মতো রগাই দিয়েছেন বাবা মতো রাগিছি বাবা কোণ বাবা মতো এমনি করছেন খালি মানে যেদিন দ্বিতীয় থর মতো ফোন করলে বা প্রথম থর ফোন করলে কে বাবা কোটি না ঘটনাকারী না ঠিক আছে আপনার আসলে আপনার মতো টিকি দর্শন দেবে আপনার দর্শন করবি না তু আসবু রবিবার দিন ভুবনেশ্বরের চালছি প্রোগ্রাম তো আসবু একটু তারপর দিন মোটর লক্ষ্য নাই প্রথম ফোন গলা তা সোমবার দিন সকাল মতো ফোন করছেন বাবা মোট খুশি কলে না সরি ফোন উঠেছি কে আচ্ছা তো ভাই পিলা মু সংসারের কোটি দেখিনি রে বাবা কে কোণ বাবা এমনি কথা কে না এত মিছ কথা তো ডাহা মিছ কথাটা মতো কাই কুচু করি তো আসিপারিবি না আসিপারিবি না মতো মিছ কথা কাই কইলু কিন্তু না বাবা মোট লক্ষ্য নেই মনে নাই কেমতি হব কইলু বাবা আর তু খালি সাধারণ কথা গোটে আসিবা কথা তো মনে রাখিপারু তাহলে ইতিহাস পুরাণ গ্রন্থ তুই কোণ মনে রাখিবু তুই কোণ প্রবচন দেবু দ্বিতীয় ফোনে মতো বাবা এমনি রাগুচ্ছন্তি পাটি করুচ্ছন্তি কইলি বাবা তো তাঁর প্রথম কেবে দেখিনি বাবা সি তাকে মজার কেউ দেওয়া যে হসি হসিকে মতো কৌতু বাবা যেতে রাগিবে বাবা তো রাগছন্তি তার সত্য তো লাগিপারিবনি যেত হসি হসি বাবা কহবি তাহলে কেমনি মনে হয় বাপা মুখ কইলি বাবা কোণ ভাবিছি বাবাঙ্ পাখু যাবি বাবা পাটি করছন্তি না 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 তাহলে মতো সজাগ হওয়া পড়ব পুনে দুই মাস পরে বাবা পুঁ ফোন কলে আসলে ভুলেইনি যেটি বাবা ডাকি তাই বাবাকে দর্শন করিয়া থয় তেমন বাবা পুঁড়ি অধরকে কৃপা করছেন এটি আসি হরি কথা কইয়াই আমি আলোচনা করুলে সেই ব্রাহ্মণর কথা যে ব্রাহ্মণ নিজে কোণ করছেন সুদামা পরিচিত করছেন রাজা জায়গায় সুদামা সেইটি মন্ত্র পড়বে কোণ বালি স্থাবত ক্রীড়া সত তরুণী স্থাবত তরুণী সত বাল্যকালে তা হব কি পাচিলা বয়সে যাহা বাল্যকালের হব নেই তা কোন বুড়া বেড়ে তুমি করিব তুমি এবে তুমি সেবাপান মদ্যপান করুছ মানে তুমি বুড়া বেড়ে কোণ করিব আমি জানিপার না রাজা চিন্তা কলে কোণ করিবা নিজে সুদামাকে রাজা কোণ করছেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ভাবিছেন কিন্তু মনে কলে না 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 অতিথি আসছেন মানে তাঁর মৃত্যুদণ্ডে কোণ নদিত করা এবং তাকে আউ কিছু আঘাত দিয়া যাও আউ কিছু যন্ত্রণা দিয়া যাও কিন্তু ভক্ত সুদামা সম্পূর্ণ ভাবে ভগবানকে শ্রী চরণার বন্ধরে সমর্পিত হয়েছেন আউ তাঙ্কর যেতিকি বি ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে শারীরিক যন্ত্রণা মিলছে যেতিকি বি ক্ষয়ক্ষতি তাকে হয়ে থাকে রাত্রে আসি ভগবান কৃষ্ণ তাঙ্ক শরীরে লোহুণী আনি লোহুণী ভগবান কৃষ্ণ সুদামাঙ্ক শরীরে মারিছেন এবং সুদামাঙ্ক শরীর সম্পূর্ণ ভরে দিয়েছেন সুদামা কৌশি কষ্ট নিজে অনুভব করে না ভগবান কৃষ্ণ সুদামাকে কৃপা করছেন এবং সুদামাকে পরিশেষে কয়াকে সময় না সুদামাকে ভগবান কৃষ্ণ নিজে পরিশেষে তাঁর ভক্তিরে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান কৃষ্ণ সুদামাকে কৃপা করছেন সুদামাকে করুণা করছেন এবং তৎপরে চালিছেন শ্রীমদ ভাগবত কথা আজ সপ্তাহ বড়ব শ্রীল সুখদেব গোস্বামী মহারাজ কুচি পরীক্ষিত মহারাজ শ্রীমদ ভাগবত কথা কুচি এলা সুদাম ভক্তঙ্কর কথা এবং তৎপরে একাদশ স্কন্ধরে যদুবংশর কথা এবং যে চব্বিশ গুরুঙ্কর মহিমা অবত চব্বিশ প্রকার গুরু গ্রহণ করে সেই গুরুঙ্কর মহিমা সব কুচি কাঠ কোণ শিক্ষা করার অছি এবং ভাগবতের বর্ণিত সে দুইটি ধর্মর কথা স্বধর্ম অপর্ণাশ্রম ধর্মর মহিমাকে একাদশ স্কন্ধ তত্তর প্রসঙ্গ কাইকি না
गोटे गोटे सप्ताह आलोचना करंतु एकादश स्कंदर कथा के गोटे सप्ताह आलोचना करंतु एकादश स्कंद काई कोची ना एकादश स्कंद होची भगवान को मस्तक आ द्वितीय कथा आमर जो 10 प्रकार लक्षण भागवत रे आ एकादश स्कंद होचते मुक्तिर लक्षण मुक्ति आश्रय दशम स्कंदर दशम स्कंद निरोध एकादश स्कंद मुक्ति आ द्वादश स्कंद होचते आश्रय ये मुक्तिर प्रसंग एकादश स्कंद आउ द्वादश स्कंद रे निजे भगवान कण करिचंती मार्कंडे को कृपा करिचंती एवं परीक्षित महाराज को कृपा करिचंती परीक्षित महाराज निजे परम गति लाभ करिचंती केमिति जते बोले भागवत चलिचंती सात दिन कथा सप्ताह कथा विदल सप्ताह सहीचंती श्रीमद भागवत कारण आम संस्कृति रे किछ आज्ञा सरेना आम संस्कृति रे आमे जहां किछ देखुचे आम संस्कृति रे आमे जहां किछ लक्ष्य करुचे सब बढे किंतु आम संस्कृति रे आमे जहां देखुचे किछ सरेना तो आज निजे भागवत बहुचंती श्री सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित पाखे भागवत कथा को श्रवण करके सारी भागवत आज बढ़िले कितु एपटे कौन ये सप्ताह कथा चली फल कि भगवान कृपार खाई कि परीक्षित महाराज किसी पाई आरे यही जो भगवान कथा यही जो परिपक्व फल श्रीमद भागवत आपको खाई सारापुर आउ कौन फल आवश्यक अच्छी आउ कि रसर आवश्यक ना आ कि फल आवश्यक नहीं ये हूँ सर्वश्रेष्ठ फल रस कारण जिते फल आपने कहतु सब फल किसी बर्ज्य वस्तु अच्छी कदमी छिलका अच्छी आमर कमलार चोपा अच्छी आई सब विभिन्न प्रकार बर्ज्य वस्तु अच्छे कितना भागवत एमती गोटे परिपक्व फल जार कौन से बर्ज्य वस्तु नहांती आस हूँ दशम स्कंद श्रीमद भागवतर परिपक्व फल रस आई सब गोटे अद्भुत फल सब फल को पटी में पिया जाए खिया जाए ये फल को कान में खाइबा आ कान में पीवा एमटा फल जाए कि श्रीमद भागवत कथा आते बड़े श्री सुखदेव गोसाई महाराज कहते हैं जहाँ कोई पाई आस तक्षकना से फल भितर अच्छे जहाँ को भुजुचं कि साक्षात परीक्षित महाराज से पाँच तक्षकना सांगे सांगे प्रकटित ही परीक्षित को दंशन करने को गला परीक्षित कहले मत आनंद दंशन कर दिले कहीं मीछ माया संसार केही नुहंती कहार सर्वे भाई संपद रात जीव परीक्षित कहले ये हूँ मिछमय संसार ये कहीं कहार नुहे मत आप आनंद आराम से दर्शन कर दिंतु मुझे हसी हसी जाऊँगी हसी हसी मृत्युवरण करसी हसी परलोक करोर आ कि आवश्यक ना परीक्षित महाराज को आनंद तक्षक दंशन कर सप्ताह कथार निजे परीक्षित महाराज को शरीर व्रज प्राप्ति होती मोक्ष प्राप्ति होती मुक्ति प्राप्ति होती भागवत कथावस्तु को श्रवण कर परीक्षित वैकुंठ में अच्छा भागवत ये बढ़ी
তোৰ ভুল থলে আমি ঘৰকু নে গলো ঠিক থিলে আপোন ঘৰকু নে পলান্তু আৰু নিজ গলত সমস্ত আপোন ভুল থিলে ক্ষমা দিবি কথাৰে তুটি বুজি থিলে কাৰণ বেছি সাৱৰে কথাক শুনি পাৰো নাও আৰু মা থানাপতিকৰ অহিত কি কৃপাৰ বৰাপৰা পৰিবাৰৰ সমস্ত ভক্ত মানে গুৰুভাই মানে যো মানে কি দীৰ্ঘ 19 বৰ্ষ ধৰি ভাগৱত কথা আৰু জৰে সন্তৰ মুখৰ ভিতৰ কথা বস্তুক শুনুচন্তি তেনে ইয়ে বহুত বৰ সৌভাগ্যৰ কথা আৰু মহান ভগৱ সাধু আদে 2 বৰ্ষ হলা আসি ভগবান করে কথা কো শুনোছো পরিবেশন কৃপা হলে সেফটি আসতিবো সেফটি কথা কো শুনোছো হরি হরি বল এবং এই কার্যক্রম রে বরেণ্য কর্ণধার স্বরূপ ব্যাসজি মহারাজ জি ধারক অনলে আচার্য দেবতা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যেমন সবুদিন বিষ্ণু ভাই নাইটি উপস্থিত রই সবুদিন তাঙ্কর ভগবান কো সবারে সে নিয়োজিত অচন্তি সত কথা দেবতুল্য সি আও তাঙ্কর বহুত প্রেমী মনিষ তাঙ্কু ভুলি তাঙ্ক পাখরে তো মনিষ আমি সব লগে পরিবার নাই মুন্ডরে হাত মারি দিলা মানে যে আনন্দ লাগে আর হসি দেখি তবে মানে প্রত্যেক কথা কয়ে দিলা বেলকে যে আনন্দ লাগে আর সে আনন্দ অবর্ণনীয় আমি কইপারিব নাই পরিশেষে ভগবানের দিব্যাতি দিব্য আরতিকে আমি সব দর্শন করিয়া সব ছড়াই পড়িবা ভগবানের আরতিকে দর্শন করিবা প্রেমে বন্দাবন জয় ভাগবতর সময়ে প্রেমে বন্দাবন জয় ভাগবতর সময়ে সমস্ত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বৃন্দ কি
श्रीमद् भागवत भगवान की मथानापति माया की समस्त कर कल्याण हो बोलंदे एक बार हरी हरि बोल कल्याण हो बोलंदे एक बार हरी बोल कल्याण हो बोलंदे एक बार हरी बोल आहुरी को बार हरी